आजकल की न्यूज़ के हिसाब से बच्चों को ना बैटिंग दी जा रही है ना बॉलिंग दी जा रही है हमारी टीम में। ये हर साल बेटा ये हर हफ्ते। आप कमेंट्स में बताइएगा प्लीज सलाम, क्या हाल है? खैरियत है सज्जाद भाई? वालेकुम सलाम। एक नए व्लॉग के साथ काफ़ी टाइम के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। कुछ टाइम से व्लॉग नहीं बना पा रहा था मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज यहाँ पर तना में एक क्रिकेट का कंपटीशन रखा गया है, तो मैंने सोचा आज इसको व्लॉग कर लिया जाए और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी आपको व्लॉग्स बनाता रहूँ और व्लॉग जो है वो अपलोड करता रहूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी अंतरान अरीफों के हवाले से भी व्लॉग्स बनाया जाए, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्लॉग में रिकॉर्ड करूँ और जो है आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अभी हम ग्राउंड में आ चुके हैं, बस अभी टी शर्ट्स आ गई हैं हमारे पास और बस पहनते हैं और फिर हमारे मैचेस शुरू करते हैं और वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करता रहूँगा। इन्होंने सबकी टी शर्ट स्पॉन्सर की है, टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया है, अल्लाह इंशाल्लाह इनको बरकत दे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये सबको जॉगिंग बांटेंगे। ग्रुप फोटोज का सेशन हो रहा है, चार टीमें, मार्कोर, इंडो पाक और बल्ब और चौथी टीम कौन सी है? टाइगर्स। हाँ, चार टीमों का आपस में मुकाबला है और मैं हूँ इंडो पार्क में, तो ये टी शर्ट में नज़र आ रहा होगा आपको। एक बंदा हमारी टीम में इंडियन है, सरफराज, तो इस वजह से जो है वो इंडो पार्क नाम रखा है हमने। और यहाँ पे जो है वो ग्रुप फोटोज़ हो रही हैं, बस अभी कुछ ही देर में मैच जो है वो शुरू हो गया। पहला टॉस हो गया, सरफराज भाई जीते हैं, हमारी टीम जीती है और हमने लिया है बॉलिंग। बहुत अच्छा शॉट, यस, एक रन का इजाफा, 14 रन, बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद में खेलते हुए एक रन का इजाफा। हाँ, पहली बॉल में छक्का चाहिए, आसिफ भाई कह रहे हैं। सरफराज जा रहे हैं बैटिंग, सरफराज का भी पकड़, हमारी टीम को मिला है 43 रन का टारगेट, मैं आउट हो गया। अब जा रहे हैं सरफराज हमारे टीम के कैप्टन, उसके बाद इमरान ही बचा है, मोहम्मद अब्बास, उसको आपने माजंगा के व्लॉग में देखा होगा। पहली बॉल हमारे टाइगर्स का कैप्टन अली असगर हमारे साथ है, क्या लगता है? तो कौन नहीं रहे, कौन जीतेगा हमारी टीम का? पॉसिबल जीत सकती है इमरान, बाकी है कुमैल भाई, बाकी है कुमैल भाई। मैच ऐसा है कि आखिरी में खेल रहा है, पूरी तैयारी है ना, तैयारी सबकी है, हार जीते मैं तुमसे प्यार है। मार दिया, बहुत अच्छे। तीन बॉल में 11 रन, 4 बॉल में 11 रन, ये 9 है, हार गए हम लोग पहला मैच। दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है, बल्ब वर्सेस टाइगर्स। पीछे साबिर बैठे हुए हैं, यहाँ समर भाई, हमारी टीम हार गई है, रिजवान भाई ने हमको हरा दिया। चलो अभी ये 2 मैच और हैं, कवर कर लेंगे। मैं भी आगे की मैं जाऊँ, साबिर ने मुझे आउट किया, देखो दो बोले, गलत बात है ना, गलत बात है, ऐसे नहीं करना, भाई को भी बोल्ड कर दिया, अली भाई को भी बोल्ड कर दिया। अली असगर अपनी दूसरी बॉल करा रहे हैं और ये बहुत अच्छा शॉट,
अब्बास की बॉल वाकई बहुत अच्छी है। अब्बास जो बॉल कर रहा है कितनी बोले हुई 11 रन और अब भाई 24 रन का टारगेट दिया है टीम ने। दूसरा मैच है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भाईचारे के लिए खेल रहे हैं, मोहब्बत से खेल रहे हैं। हम सब यहाँ मिल बांट के रहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी सब मिल के रहते हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं सब। देखे बोल आसिफ भाई हमारे जान है, आगे मडागास्कर की जान है, टी शर्ट भी हमारी सब आसिफ भाई खेलते हुए पहला बॉल गुड बॉल। हाँ अली अली आसिफ भाई ने ऐलान कर दिया, आसिफ भाई ने ऐलान कर दिया है अली असगर जीतेंगे, मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, अली भाई जीतेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करोगे तो जीतेंगे अली भाई। हम एक एक चीज़ लिख रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त। समर तो बॉल विकेट कैसा लगा? अली भाई मावा खाने के आदाब सिखा दो, ऐसे खाते पानी बहुत डाल दिया। आसिफ भाई की तरफ से ऐलान है, हैट्रिक होगी तो 50 यूरो मिलेंगे। अस्तेद मावा हैट्रिक पर है, थर्ड बॉल जाते तो 50 रुपए मिल जाते। मेरा भी ऑफर आसिफ भाई को लगा, इस बॉल में अगर विकेट लेंगे तो आसिफ भाई फिर से देंगे हैट्रिक ऑन है और ये भाई कटे हुए चांस बरकरार आ रहे चांस है। एक बार दो बॉल बूम और ये क्रिस क्या हो गया क्या 6 बॉल में 11 रन बॉम्बे पावर भाई छक्का दो रिक्वायर्ड है। ये क्या हुआ? हमारा मैच शुरू हो रहा है बल्ब के सामने, इंडो पाक वर्सेस बल्ब। 3 मैच हो गए, अभी है 4th मैच हमारा, फिर शायद देखते हैं इसके बाद कितनी देर तक खेलते हैं। चौथा मैच जारी है, हमारी टीम का 44 रन। आप लोग अगर हार गए तो आप लोग को बहुत मुश्किल पड़ेगा सेमीफाइनल के लिए, इसकी वजह ये कि आपके 0 पॉइंट है। ओके अगर आप जीत गए तो आपके 2 पॉइंट है। ओके सलाम, मेरा अली का नाम है, नाम बोलना भूल गया था। हम
बस अब हमारी फील्डिंग है, फील्डिंग पे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैच भी हम हार गए, बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, बहुत छक्के पड़े हमारे बॉलर्स। बहरहाल अभी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, लेकिन बल्ब टीम ने बहुत अच्छा खेला और हम दूसरा मैच भी हार गए। अब्बास भाई दिल भैया ओ सरफराज कितने छक्के पड़े, कितने छक्के खाए तुमने? सरफराज ने 6 छक्के मारे। खाए कितने? एक एक या दो? इसने 6 छक्के खाए, 7 खाए, 7 खाए। आदिल पकड़, लेकिन उसने बहुत अच्छा खेला। इरतद और अन्ना सेमीफाइनल का टॉस, धीरम बॉल है, बॉलिंग हम इनवाइट करते हैं रिजवान भाई को बैटिंग के लिए। सज्जाद सेमीफाइनल पहुंच गए, हम आउट हो गए दोनों मैच हारने के बाद। बिल्डर से मेरी गुजारिश है कि वो आ जाए। बदामी मैच का और बदामी तेरी बात अब तक आई नहीं, क्या करना है? कौन जीतेगा ये मैच में? ये मैच में नॉर्मली ये बैटिंग वाली टीम जीतेगी, रिजवान भाई। रिजवान भाई और फाइनल कौन जीतेगा? क्या हम लोग वो पूछने की बात ही नहीं, वो तो तुम लोग भूल जाओ। कॉम्पिटिशन ही नहीं, ये 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 पाकिस्तानी में कॉम्पिटिशन नहीं हमारे साथ। देखते हैं क्या होता है। मैं नॉर्मली ऑक्शन में नहीं था, वरना इंडो पाक में होता है, वरना मैं इंडो पाक में होता। ऑक्शन में नहीं था और मैं एक्स्ट्रा प्लेयर था और गोलू की टीम में आ गया, पता नहीं कैसे मैं पहुंच गया। मैं अपने ग्लासेस घर पे भूल गया, ग्लासेस भूल गया। अरे टारगेट हमारा बहुत अच्छा था, 70 था, बहुत अच्छा था। सरफराज भाई ने चार छक्के मारे, सात छक्के मारे, लेकिन फिर भी किस्मत हमारे साथ थी। ये फाइनल में पहुंच गया, तू फाइनल में और फाइनल हमारी टीम के साथ, इनके सामने बकवाल इसको। और अमर भाई ने अच्छा खेला है, बहुत अच्छी फील्डिंग की अमर भाई ने हमारे साथ, अपनी टीम बहुत बेहतरीन सेमीफाइनल में है। प्लेयर वाइज लेकिन पूरे मैच में सबसे बड़ी गलती मेरे से हो गई, अली करा दिया तो मेरी, और इमरान को तो मेरी गलती नहीं थी, इमरान में मेरी गलती भागता ही नहीं है, लेकिन अली सुशांत सेठ को रन आउट कराया वो मेरी गलती थी। दो बॉल के दौरान चलो अली वो आखिरी बॉल थी इसलिए मैं नहीं भागा था, सच बोलूँ तो ये बात थी। छोड़ दिया असद भाई रोकड़िया हमारे कराची के PCHS के साथ पुराने साथी PCHS के। चार बॉलिंग कराची करने के लिए और ये सज्जाद की बॉल क्या होगा क्या? ओहो बॉल बॉल लास्ट बॉल और ये स्वागत को चाहिए। दो बॉल में 16 रन लेके हार मान लिए, और अब फाइनल मैच, फाइनल मैच टाइगर और शाहर जद्दी के दरमियान मार्कोर समय बोल दो द बिग मैच, द फाइनल मैच, द बिग मैच, फाइनल मैच होने वाले हैं। अबे ये क्या मार्कोर मार्कोर और मेरी टीम टाइगर के साथ मडागास्कर की पहली टीम है जो फाइनल्स के लिए क्वालीफाई हुई, दो मैच खेले और दो मैच जीते और अब फाइनल्स खेलने वाले हैं। कौन सी टीम का नाम क्या है? टाइगर, टाइगर सामने मार्कोर फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम भी कोई नाम रख लेते जानवरों वाला तो हम भी आ जाते।
बहरहाल हम हार गए, ऐसे ही बैठे हुए मैच देख रहे हैं इन लोग का, और ये हमारी फाइनल की टीम यहाँ पे बैठ के अपना डिसीजन ले रही है। ये देखिए आजकल के न्यूज के हिसाब से बच्चों को ना बैटिंग दी जा रही है ना बॉलिंग दी जा रही है हमारी टीम में। ये हर साल बेटा ये हर हफ्ते आप कमेंट्स में बताइएगा प्लीज समझाइए। हर हफ्ते बच्चों की शिकायत होती है ना बैटिंग मिलती है ना बॉलिंग। इस मैच के बारे में बताइए जी रिजवान भाई, आप फाइनल में पहुंच गए, क्या तजिए है? अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम की बर्थ है, सब एक साथ मिल गए, सबने बहुत अच्छा किया, ना ऐसा था कि टीम स्ट्रॉन्ग है ना लूज है, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजी बना के चले हुआ है। वाकई बहुत अच्छा खेला कि अगर यही और अली यही सेटिंग रही फाइनल है इंशाल्लाह। अली बोल रहा था मेरी टीम कमजोर है माशाल्लाह फाइनल में पहुंच गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल में पहुंचे। हां एक मैच नहीं आ रहा, मेरी टीम बहुत हल्की थी ठीक है, और मैंने सोचा था कि मैं इतना आगे नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन माशाल्लाह पहुंच गए थे और फाइनल में आ गए। हम दो भाई बेटे ओके, कोई एक तो कप ले जाएगा बिल्कुल, अगर मैं हारूंगा ये कप ले जाएगा, ये रिजवान भाई की टीम में और मैं अपनी टीम में। कंपटीशन मुश्किल है, हम दो दोस्त आज जीत के लाएंगे हमारा कप। कौन सी टीम में हो दोनों? मारखोर दोनों मारखोर में रिजवान भाई के साथ है, सब मोटिवेटेड है जीतने के लिए। टॉस जीत गए रिजवान भाई और रिजवान भाई ने ले ली है बैटिंग। रिजवान भाई थोड़ा यहाँ भी बोलो, कोई दुश्मनी नहीं है, गेम इज गेम, किसी एक से भी नहीं, कोई जीते जीते जो है वो भाई बंदी और सभी से है अल्हम्दुलिल्लाह सही है, अच्छा फाइनल तक पहुंचे बहुत बड़ी बात। वाकई तो फैल भाई क्या तासुरात है मैच के बारे में? तासुरात बस भाई ये बहुत अच्छा गेम हुआ, टूर्नामेंट भी अच्छा हुआ, माशा टूर्नामेंट भी अच्छा हुआ भाई। ये कौन जा रहा है जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाया चेस का, फाइनल के पहला ओवर हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते इमरान बदामी को लग गया, पानी पी फर्स्ट एड चल रहा है इमरान बदामी का। यहाँ पे लग बहुत ही अच्छी बॉलिंग बच्चों के लिए गाड़ियाँ अब्बास भाई की। लास्ट ओवर इज फाइनल फर्स्ट इनिंग की, और ये रन रोकते हुए बाउंड्री लाइन, और ये बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। बदामी सोया तो 4 रन, उठा तो 40 रन। अली भाई बोर हो रहे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं यार, कुछ करने को नहीं है हमारे पास। अली असगर का रन बच्चों को भी बैटिंग मिल रही है इस बार माशाल्लाह से। साबिर ओवर की पहली बॉल कराएंगे फाइनल की सेकंड इनिंग। और ये बोल लोगे अब्बास भाई अली गोलू बैटिंग पे जाते हुए चलो चलो चलो
टेंशन में आ गया गोलू, टेंशन में आ गया तू। बहुत 39 रन हुए इनके 44 बनाने। गोलू मैच जीत चुके हैं। अली जीत गया माशाल्लाह। क्या था मेहनत, अल्लाह बहुत बड़ा है, मेहनत का फल है। यहाँ पे गिफ्ट्स लगना शुरू हो चुके हैं। हसनैन, हसनैन ने बहुत अच्छा खेला। हसनैन वेल डन यार, बहुत ही अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। इनकी मेहरबानी है, पूरा गेम वीआईपी खेला। नो डाउट तीनों मैच में हमारे टीम में सबको यही था कि हमारे बैट्समैन नहीं है, और हमारे तीनों मैच किसी ने तीनों मैच किसी ने खेला है, और बॉलिंग बैटिंग दोनों। ये हमारे खास बॉलर ने एक बाउंड्री खाई है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग। हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छा खेले, हौसले में रखे, और इन्होंने जो छक्का मारा उससे हमारा मैच पलट गया। इन्होंने छक्का मार के हमको मैं शुक्र गुजार हूँ सब भाइयों का, जो सबने बहुत अच्छी तरह खेला, खास खुसूसन हमारे स्पॉन्सर का, जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया। हमारी तरफ से हम कुछ भी नहीं दे सकते, ये जो आसिफ भाई ने एक छोटा सा हम लोग को गिफ्ट दिया है, सबको टी शर्टें बांटने का शॉर्ट टाइम के अंदर एक स्पेशल गिफ्ट हमारी सबकी तरफ से आपको है। ये आसिफ भाई को स्पेशल हमारी तरफ से, हम सब भाइयों की तरफ से। फकीरों का भी क्या कहना, जहाँ जाए वही बस्ती बसा बैठे। हम फकीरों का भी क्या कहना, जहाँ जाए वही बस्ती बसा बैठे, और अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। नहीं मगर ये पूरी टीम जो है अपनी सेटिंग से चली ना, ये मजेदार, ये कामयाबी। रिजवान ने भी माशाल्लाह अच्छा खेला, हमारे 4 बजने आ रहे हैं सुबह के, और बस अब यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।